This snake rescue operation handled by professional and experts. Please don't try without proper training and proper identification of snakes. तो अभी हम रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं और यहाँ से मैक्सिमम 2 किलोमीटर दूर जाना है। तो चल के आपको दिखाएंगे कौन सा स्नेक है और बुरी तरह फंसा हुआ है बोल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कैसे फंसा हुआ है, उसे निकालेंगे सेफली और उसे रिलीज करेंगे अच्छी जगह पे। तो चलते हैं। अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, इसी में कहीं पे है, तो थोड़ी और आगे जाके हम उसे कॉल करेंगे और पता करेंगे कौन सी साइड पे है। और उसके दुकान में पूरी तरह फंसा हुआ है स्नेक, तो जाके निकालेंगे और शायद उसे चोट भी लगा होगा अगर बहुत देर से ऐसे फंसा हुआ है, तो ज़्यादा देर रहने से उसकी डेथ भी हो सकती है और उसे बचाने की कोशिश पूरी रहेगी। तो पीने को बहाना खुला ऐसे यहीं पे निकला है। सो पहले देखते हैं कहाँ पे फंसा हुआ है, कहाँ पे सो एक रेड स्नेक है जो कि नॉन वेनमस होता है। सो यहाँ पे बहुत देर से फंसा हुआ है, ना आगे जा पा रहा है ना पीछे। मैंने सोचा था दबा हुआ है बट ये एक होल में चला गया है और ये होल आगे मतलब कहीं पे लिंकेड नहीं है, सो इसकी वजह से ये यहीं पे बैठा हुआ है। सो इसे निकालते हैं। यहीं पे बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये एक रेड स्नेक है जो कि नॉन वेनमस होता है, हिंदी में जिसे धामन बोलते हैं। सो इसे अभी बाहर निकालते हैं, इसे यहाँ से बाहर जाने का जगह नहीं मिला था शायद, सो उसकी वजह से ये यहीं पे फंसा हुआ रह गया, और बाहर निकलने का जगह होने से ये शायद निकल के चला जाता। सो इसे अभी हम निकालते हैं। बाहर चलो, चोट लग गया
तो इसे पहले का ये शायद इंजरी है, बहुत पहले का है, ये रिकवर हो चुका है। मुझे लगा था कि अभी का इंजरी है, बट अभी का इंजरी नहीं है। और ये सांप जो है जितनी भी नॉन वेनमस होता है, और इसको काटने से कुछ होता भी नहीं है, बट आदमी ऐसे ही डर के मारे टेंशन लेके वो आधा से ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो इसे अभी हमने सेफली रेस्क्यू कर लिया और इसे अभी हम बेड में भर देंगे। सक्सेसफुली रेस्क्यू हो गया था। और कोई भी इंजरी नहीं थी पहले की, छोटी मोटी इंजरी थी, मतलब बड़ी इंजरी थी पहले की, जो कि रिकवर हो चुकी है। मैंने सोचा था कि मतलब वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, बट ऐसा नहीं था। ये मतलब एक होल में गया था, एक मतलब बांस का बेड़ा था उसके पीछे गया था, और उसके पीछे जाके इसे सिर्फ वन वे मिला, मतलब ये सिर्फ उसमें गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और ये घूम के वापस नहीं आ सकता था, इसकी वजह से वहाँ पर फंसा रहा बहुत देर। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर जाके रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद अभी यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे हम। इसे हम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, ये चला गया, बिग साइज का था, सेफली रेस्क्यू हो गया और सेफली रिलीज भी अभी हम लोग कर दिए। तो अब हम भी चलते हैं घर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।